विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी छात्र संघ के उप सचिव रवि यादव की कल रात्रि लगभग 9 बजे सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद पीएम के लिए ले जाया गया। आज सवेरे से ही पीएम हाउस में युवा भारी संख्या में पहुंचने लगे। सभी की आंखों में आंसू देखे गए। वहीं कुछ युवाओं को अभी विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक नेक दिल, सभी के लिए खड़े रहने वाला, सभी की मदद करने वाला हसमुख युवा साथी अब उनके बीच नहीं रहा। वहीं कुछ युवाओं में इस बात को लेकर आक्रोश भी था कि शहर में रात के 11 बजे वाहनों के चालान काटे जाते हैं, लेकिन अनियंत्रित गति से दौड़ते वाहनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहती है हमारी पुलिस। कल ही शहर में दो हादसों में दो युवाओं की हुई मृत्यु। प्रथम दृष्टि से यह ज्ञात हुआ बड़े वाहनों की गति अत्यधिक होने के कारण हुए हादसे। कब जागेगा शासन प्रशासन, कब लाएगा अधिक गति से दौड़ते वाहनों पर लगाम। छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी व समाज सेवी की दर्दनाक मौत हो गई है से गमगीन हुआ शहर का माहौल। स्वयं रवि यादव पूरे कोरोना काल केवल लगभग पिछले 3 वर्षों से लगातार असहाय गरीब और जरूरतमंदों के लिए भोजन, चाय, वस्त्र आदि के लिए वितरण करते थे। समाज सेवा में एक बहुत बड़ा चेहरा स्वर्गीय रवि यादव का नाम सबसे पहले लोगों की जुबान पर आता है। कोरोना काल में जब हमारी उनसे वार्ता हुई, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ गरीब ऐसे हैं जो रोटी बैंक के व्यक्तियों का इंतजार करते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कैसी हालत हो, लेकिन रोटी बैंक से रवि यादव प्रतिदिन गरीबों असहाय के लिए भोजन, वस्त्र इत्यादि पहुंचाते थे। आज सभी के चेहरों पर मायूसी थी। इस बात का बहुत ही सबको दुख था कि एक युवा कर्मठ समाज से भी अब उनके बीच नहीं रहा। आज नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रुतेला पहुँचे पीएम हाउस, परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बनाया। वही उनका कहना है कि रवि यादव बहुत ही अच्छे व्यक्ति वाले युवा थे और काफी वर्षों से समाज सेवा, जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करते थे। रवि यादव की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर सीनियर पत्रकार अनु गुप्ता के पुत्र भावेश गुप्ता 17 वर्षीय का कल सड़क हादसे में देहांत हो गया था, जिसके बाद अनु गुप्ता पर दुखों का भार टूट गया। एक ही पुत्र था अनु गुप्ता के द्वारा बताया गया। उनके पुत्र को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और पढ़ाई में अव्वल रहा करता था। आज उनको अपने पुत्र की मृत्यु के बाद बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। जब भी उनसे कोई बात करता, उनकी आंखों में आंसू छलक जाते थे। आज पीएम हाउस में देखा गया जो व्यक्ति मिलता भाई व्यक्ति दुख व्यक्त कर रहा था। उनके सामने अपने पुत्र को खो देने का बहुत बड़ा दुख दिखाई दिया। आंखों में आंसू लिए सभी से बात कर रहे थे। सभी ने दो युवाओं की आकस्मिक मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की, ईश्वर से प्रार्थना की, दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति दे। लेकिन वही दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश देखने को मिला कि शासन प्रशासन एवं मेडिकल व्यवस्था इतनी लाचार थी। कल रात्रि उच्च अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया कि प्रातः 7 बजे आए और मृतक रवि यादव की डेड बॉडी पीएम के पश्चात ले जाएं, लेकिन वही देखा गया कि प्रातः 10 बजे तक पुलिस के द्वारा पंचनामा भर के पहुँचाया गया था। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।